चीन, अमेरिका और जापान सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बृहन मुंबई नगर निगम यानी BMC भी अलर्ट हो गई है। भारत में COVID-19 के नए BF7 वेरिएंट के संभावित खतरे को देखते हुए BMC ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। BMC ने कहा है कि वो टीकाकरण अभियान को सख्ती से लागू करने पर ध्यान दे रही है। संस्था ने लोगों से अपील की है कि वे किसी तरह से खुद को कोरोना संक्रमण से बचाएं। BMC ने मुंबई की जनता से 6 अपील की है। उन्होंने कहा है, अपील जो की है, कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में जाते समय मास्क जरूर पहनें, दूसरों से शारीरिक दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोते रहें, बीमार महसूस होने पर घर पर ही रहें, बुजुर्ग, डायबिटिक और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज विशेष सावधानी बरतें, और इसके साथ ही सभी नागरिक वैक्सीन यानी तीसरा डोज जरूर लें। इसके साथ ही BMC ने कहा है कि सभी उनके जो सभी वार्ड्स हैं, 24 वार्डों में वॉर रूम 24 घंटे और सातों दिन काम कर रहे हैं। कोई परेशानी होने पर लोग अपने संबंधित वार्ड में संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि BMC के पास COVID-19 के मरीजों के इलाज के लिए 2 डेडिकेटेड अस्पताल हैं। इनमें से एक सेवन हिल्स अस्पताल है जिसकी क्षमता 1700 बेड्स की है। वहीं दूसरा कस्तूरबा अस्पताल जिसकी क्षमता 35 बेड्स की है। इसके अलावा 4 सरकारी अस्पताल भी हैं जिनके नाम कामा हॉस्पिटल 100 बेड, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल 70 बेड, टाटा हॉस्पिटल 16 बेड और जगजीवन राम हॉस्पिटल 12 बेड्स हैं। इसके अलावा 871 बेड्स वाले 26 निजी अस्पताल भी शामिल हैं।